तो आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने आखिरकार अब तक क्यों नहीं की है शादी, क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए मैं खुलासा करूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि महेश भट्ट ने दो शादी की थी और महेश भट्ट की पहली शादी से ऑलरेडी पूजा भट्ट जो उनकी बेटी हैं और दूसरी शादी जो कि उन्होंने सोनी राजदान से की थी, उनसे उनकी दो बेटियाँ हैं, आलिया भट्ट एंड शाहीन भट्ट। ऐसे बात करें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट यानी कि दोनों सिस्टर्स की, तो दोनों के बीच की बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंगली स्ट्रांग है। आलिया भट्ट ने जहाँ बहुत ही कम उम्र में कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दे दी और कई ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई अपनी बहन शाहीन से, तो वहीं शाहीन हमेशा से ग्लैमरस दुनिया से काफ़ी दूर रहीं, जहाँ उनके पापा, उनकी मॉम, उनकी बहन, हर कोई ग्लैमरस दुनिया के काफ़ी करीब रहा, अक्सर नज़र आए हमें स्क्रीन पर, लेकिन शाहीन भट्ट ने कभी भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि शाहीन भट्ट को हमेशा से लिखने का शौक था। शाहीन भट्ट अपनी किताबें लिखती हैं और काफ़ी अच्छी राइटर हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार शाहीन ने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो आपको बता दूं कि शाहीन के लाइफ में अब तक कोई लव इंटरेस्ट का एंटर नहीं हुआ है, यानी कि अब तक शाहीन भट्ट को कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं मिला है जिससे उन्हें मोहब्बत हुई हो या प्यार हुआ हो। इस वजह से अब तक शाहीन ने शादी नहीं की है। रिसेंटली आपको बता दूं कि आज आलिया और रणबीर की शादी में शाहीन भट्ट और सोनी राजदान को स्पॉट किया गया, जहां पर वो रणबीर के घर पर पहुंचते हुए स्पॉट हुए हैं और दोनों साफ तौर पर पैपराजीज को फोटोज क्लिक करने से मना करते हुए नजर आए। लेकिन अब शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से है, आज शादी है। आपको मैंने बताया कि आखिरकार आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अब तक उनके लाइफ में किसी लव पार्टनर की, यानी कि उसकी लविंग पार्टनर की एंट्री नहीं हुई है। बस शाहीन भट्ट को उनकी ज़िंदगी में किसी लविंग पार्टनर की तलाश है और अब जब भी वो एंटर करेंगे तब फाइनली उनकी शादी होगी। तो आपने फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो को देख कर? हमें बताएँ कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताएँ कमेंट करके। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।